साथ दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। दरअसल सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मिंटो रोड पर एक गाड़ी पानी में डूब गई, वहीं कनॉट प्लेस में भारी बारिश के बाद दरिया जैसे हालात हो गए हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में तेज बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन पहली बारिश ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। राजधानी में जगह जगह पानी भर गया, सड़क पर सैलाब आ जाने की वजह से गाड़ियां भी डूब गईं। एम्स फ्लाईओवर के पास काफी जल भराव हो जाने की वजह से एक बस पानी में डूब गई। और तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं अंडरपास में पानी भरा है तो कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई गाड़ियां अंडरपास में फंसी हुई हैं, बड़े भारी भरकम वाहन और छोटी कारें भी तैरती हुई निकलती दिखाई दी हैं सड़कों पर। ये अव्यवस्था का आलम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जहां पर राजधानी हुई पानी पानी और सड़कों पर लग रहा लंबा जाम। लोगों की समस्या यहां बढ़ गई है इससे, दरअसल दफ्तर जाने का समय और लोग सड़कों पर फंसे हैं। दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त में मैं घटनास्थल पर हूं और घटनास्थल पर दिखा सकता हूं कि ये डिपार्चर है। डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है, और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये पुराना, बहुत काफ़ी पुराना हिस्सा था, और यहाँ पर जिस तरह से पानी, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बरसात की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वो हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है, और गिरने की वजह से नीचे कुछ जो टैक्सी वाली जो गाड़ियाँ थी उस पर असर देखने को मिला है, और लोहे का जो बोल्डर्स है, काफ़ी बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं बकायदा, वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ जो हैं वो दब गई और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग के बारे में बताया जाता है बेहद गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है, और यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ पे मौके पे कई अलग अलग जो एजेंसियाँ के जो लोग हैं बकायदा वो पहुँचे हुए, चाहे NDRF की बात करें, CISF की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और यहाँ पर किस तरह से जल्द यहाँ पर यात्रियों के लिए जो तमाम सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराया जाए, बेहतर किया जा सके, इसके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह से उड़ान मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री जो हैं वो खुद यहाँ पे मौके पे आए और इलाके का मुआयना किए, और किस तरह से इस मामले पर आगे कार्रवाई करनी है, किस तरह से इस मामले पर आगे तफ्तीश करने के लिए एक जांच की टीम का गठन किया गया है, तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले पे कुछ और जो कार्रवाई है वो अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले दौर पर इस इलाके में जितना बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द टर्मिनल को बेहतर किया जाए, इसके लिए यहां पर काम किया जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज 18, IGI रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली के आजाद मार्केट के अंडरपास में पानी के बीच में बस फंस गई और बस में फंसे यात्रियों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब रेस्क्यू किया गया बस में सवार यात्रियों को पानी से निकालने के लिए। अब देखिए अंडरपास में बस फंसी हुई है। ये दिल्ली के आज़ाद मार्केट का नज़ारा आप देख रहे हैं। लोगों को लेकर जा रही बस पानी के बीच जाकर फंस गई। बस ड्राइवर जो कि पानी से बस को निकाल ले जाने की कोशिश में था, लेकिन वो निकाल नहीं पाया और फिर बस वहाँ फंस गई। लोगों को निकालने के लिए बाकायदा देखिए किस तरह से लोगों को बाहर निकाला गया है, और रस्सी बांध कर छोटी नाव का इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकाला गया। और इस भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हालात आखिर कैसे दिल्ली में बने हुए हैं। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पानी भरा हुआ है, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हम आपको
संसद भवन, कनॉट प्लेस, केंद्रीय सचिवालय, रायसीना हिल्स और शास्त्री रोड, उद्योग भवन, नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड की ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। संसद भवन के आसपास कितना पानी है, कनॉट प्लेस में बने अंडरपास किस तरह से पानी पानी हो गए हैं वो देखिए, केंद्रीय सचिवालय की तस्वीरें, रायसीना रोड की तस्वीरें, शास्त्री भवन के सामने, उद्योग भवन के पास, नेशनल मीडिया सेंटर पर क्या हाल, और मिंटो रोड की तो फिर कहने ही क्या, चूंकि ये बदनाम जगह है, जरा सी बारिश में भी यहां पर पानी भर जाता है। तो बारिश तो अच्छी खासी हुई है तो मिंटो रोड भला क्यों पीछे रहता। और दिल्ली में इस तरह की इस सीजन की ये पहली बारिश है, और इस बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई और सांसदों के घरों तक में पानी घुस गया। दिल्ली में एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के घर में भी पानी भर गया। उनके घर की हालात की तस्वीरें दिखाई, यहाँ स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनके बंगले में देखिए कितना पानी लगा हुआ है। ये राज्यसभा से चुनकर आए हैं और ये देखिए क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जाना है, जा पाएंगे क्या लग रहा है? वो हमारी गाड़ी तो निकल ही नहीं पाएगी क्योंकि अगर वो गेट पे जो अपने बैरियर लगाया है वो अगर खोल देंगे तो एक मिनट में सारा घर भर जाएगा क्योंकि बाहर इतना ज्यादा पानी है। अंदर से पानी जो निकास है वो इसलिए नहीं खोल सकते कि वो तो सड़क का पानी यहाँ से भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब कोशिश करेंगे, कोई पार्लियामेंट से कहा है मैंने 10 बजे तक कोई गाड़ी अगर आ जाएगी तो उससे चला जाऊंगा। क्या किसी एनडीएमसी से या जो लोग जिम्मेदार हैं? 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 बजे से, और तमाम लोगों से बात की। एक कोई आईएएस हैं अप्पू या पप्पू कुछ ऐसा ही नाम है, उनसे भी की, चीफ इंजीनियर काक भेजेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं आईएएस सुरेंद्र सिंह उनका टेलीफोन भी आया था कहीं से, किसी ने कहा होगा, उन्होंने कहा अभी चीफ इंजीनियर पहुँच रहे हैं 5 मिनट में, उनको 1 घंटा हो गया, फिर उनका टेलीफोन आया कोई आया कि नहीं आया, कोई आया नहीं। सब हाई अप्स भी जब हाई अप्स के अधिकारी कह रहे हैं, इसके बाद भी एनडीएमसी का कोई केयर नहीं कर रहा है। देखिए पहले तो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, प्रोफेसर रामगोपाल यादव राज्यसभा में नेता है समाजवादी पार्टी के, वो अपने घर में बंधक है इस समय। जरा तस्वीरें देखिए, सबसे पॉश ये बाजार है खान मार्केट, और खान मार्केट के सामने की जरा तस्वीरें आप देखिए, एक पेड़ गिर गया है और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, और सारे मंत्रियों और सारे बड़े जो सांसद हैं उनका ये आवास है एक तरफ से, और पूरा पानी भर गया। जरा मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो घर है वहां पर कैसे उन्होंने इंतजाम किए हैं पानी से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद देखिए दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इधर जाना पड़ेगा मुझे, वो अपने घर में बंधक है और किस तरह देखिए ये पानी कितना अंदर भी भरा हुआ। जरा आइए कमल देव जी और सीधे उनके घर में चलते हैं, दिखाते हैं कि उनको संसद कार्यवाही में हिस्सा लेने जाना है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने वाले हैं, लेकिन वो अपने घर में और उनके पुत्र जो हैं फिरोजाबाद से सांसद चुने गए अक्षय यादव वो भी यहीं पर हैं, और ये पूरा जो इलाका है ये देखिए जरा ये कोठी है उनकी और काफी अरसे से है, ये देखिए इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, लगभग एकदम जैसे लग रहा है कि नदी बन गया, और ये देखिए जो जेनसेट आए हुए हैं जनरेटर आए हुए हैं कि पानी निकाला जाए वो उनकी अपनी व्यवस्था है। कुर्सियां जो है आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होंगी, पूरा लबालब पानी से भर गया है ये खान मार्केट के सामने, पॉश इलाका इसको कहते हैं वो इलाका है, देखिए घर के अंदर की हालत देखिए। और वहीं जलभराव होने पर दिल्ली में बीजेपी के पार्षद रविंद्र नेगी अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। ये नेगी साहब इस वक्त वो एक जो स्विमिंग पूल आपने देखा होगा सड़कों के किनारे अक्सर दिखते हैं बच्चों के नहाने के लिए, उसकी नाव बनाकर ये सड़क पर
उतरे हैं विरोध जताने के लिए अनोखे अंदाज में। ये रविंद्र नेगी हैं, पार्षद हैं दिल्ली नगर निगम के, और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते, निशाना साधते, प्रदर्शन करते अनोखे तरीके से। दिल्ली की सड़क पर एक छोटा स्विमिंग पूल लेकर कूद पड़े हैं नदी में, और ये देखिए क्योंकि पूरी सड़क ही नदी बन गई है। ये दिल्ली के विनोद नगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्षद महोदय अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए, अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। और आज देख सकते हैं मैं, और भारी बारिश से दिल्ली का लुटियन जोन की लुटिया ही डूब गई। जी हाँ, पूरा लुटियन जोन लुटिया की तरह डूब गया, और उस इलाके में कई सड़कों पर कई कई फीट पानी भर गया। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की हालात दिखाते हैं, देखिए पानी की धारा ऐसे बह रही है मानो कोई ये चश्मे का पानी बहकर आ रहा है। और ये एक बारिश में दिल्ली का हाल है, इस मानसून अगर ठीक ठाक बारिश दिल्ली में हो गई तो दिल्ली पूरी तरह से बंद हो जाएगी, थम जाएगी पूरी तरह से। और आज ये पहली ही बारिश का नजारा है राजधानी दिल्ली। दिल्ली में चंद घंटे की बारिश और जलमग्न हो चुकी है पूरी दिल्ली। तस्वीरें आपको लुटियन दिल्ली की दिखा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, और यहाँ जहां तक आपकी नजर जा रही है ये पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। जहां तक आपको नजर आ रहा है ये सड़क नहीं है बल्कि पूरा पानी यहाँ इस सड़क पे बना भरा हुआ है। आप देखें जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस मुशक्कत से मुश्किल से यहाँ से आ पा रही है, क्योंकि पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। पीछे तक जहां तक आपको जो लाइट जलाए हुए वाहन नजर आ रहे हैं, वहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो यहां तक जहां तक ये पूरी रोड खत्म हो रही है, जहां से संसद साफ दिखता है, वहां तक ये पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है, पूरा पानी भर चुका है। ये पूरा इलाका जो है, देखें आप साइड में अगर देखेंगे तो फुटपाथ की जो पूरी जगह होती है उसकी लाइन से भी ऊपर पानी गया हुआ है, यानी कि पानी की हाइट यहाँ पर इसके अंदर बनी हुई है कि ये पूरी रोड जो आपको नजर आ रही है ऐसा लगता है कि किसी तालाब में किसी दरिया के पास हम खड़े हैं। और ये दिल्ली में केवल चंद घंटों की बारिश के बाद हुआ है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। और भारी बारिश से नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर का पूरा क्षेत्र पानी पानी हो गया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल मीडिया सेंटर के सामने, रायसीना रोड है, और यहाँ आप देखें जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे घुटने से थोड़ा नीचे बस पानी रह गया है, और ये पानी जो है तीनों रोड से भरकर यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है। आप देख रहे हैं जो लोग फुटपाथ पर भी चल रहे हैं उनके पास, उनके पैरों तक भी पानी पहुँचा हुआ है, और मैं सड़क पर हूँ, और यहाँ आप देखें कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगेगा कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सड़क पर चल रही हूँ, पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पानी की किसी जगह पर हूँ, और यहाँ आप देखें कि मेरे घुटने से तकरीबन टच होता हुआ पानी है इस पूरी सड़क का, जहाँ लोग जो हैं जो फुटपाथ पर चल रहे हैं वो भी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर पूरा पानी भर गया है। और ये आपको सीधा नेशनल मीडिया सेंटर के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ NSUI का दफ्तर है, सामने जंतर मंतर रोड है, वहाँ पर घुटने तक ये पानी भर गया है। और ये स्थिति जो है केवल कुछ घंटों की बारिश के बाद देखने को मिल रही है। सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है और उसके बाद ये हालात आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस तरीके से पानी का जो फ्लो है, क्योंकि टायर ऐसे टाइम पे गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसीना रोड की, जहां पर घुटनों तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है। जो लोग काम धंधे में जा रहे हैं वो किस तरीके से भीग भाग कर जा रहे हैं। भैया काम के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, काम के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कहां से आ रहे हैं? मैं उत्तम नगर से। और ऐसा ही हाल दिख रहा है कहीं और भी या सब जी? हमारे वहाँ भी पानी भरा हुआ, हर जगह पानी भरा हुआ जी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो फुटपाथ से भी आ रहे हैं ये भी देखें आप कहाँ तक इनके पाँव में पानी भरा हुआ, और अब मैं फुटपाथ पर आ गई हूँ।
तो ये पूरा इलाका जहां हम आपको बता रहे हैं, कुछ बाइकें देखें, बाइक वहां पर खराब हो गई जिसको खींचने की कोशिश की जा रही है, और यही बारिश की तस्वीर है दिल्ली में कुछ घंटे की बारिश और उसके बाद ये हालात बनने लग गए हैं। और अब आपको दिल्ली के प्रसिद्ध आईटीओ के पास के हालात की तस्वीरें दिखाते हैं। क्या है आईटीओ पर हाल, ये भी देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ रोड से हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मानसून की बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के आईटीओ इलाके में हैं और आईटीओ पर क्या हाल है वो आपको तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर बयां करें। इस वक्त आप देख सकते हैं ऑफिस जाने का वक्त है, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने का भी वक्त है बच्चों का। इसके अलावा जो सेंट्रल दिल्ली में नौकरी के लिए जाते हैं उनको आप देख सकते हैं कितने परेशान हो रहे। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बसें हो, बसों पर देख सकते बच्चों को। बच्चों के लिए तो ये मौका उमस भरी गर्मी से राहत का है और मनोरंजन का हो सकता है, लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगह इसी तरह से वाटर लॉगिंग हुआ है और ट्रैफिक की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस वक्त आईटीओ पे यहाँ दो रेड लाइट है, लेकिन दोनों रेड लाइट पे लगातार इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। कम से कम 300 से 500 मीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है वाटर लॉगिंग की वजह से। 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है दिल्ली में 3 से 4 घंटे की बारिश में। और आमतौर पे यहाँ घंटे भर की बारिश में थोड़ा जल जमा होता है, लेकिन आज यहाँ ज्यादा पानी भर गया। दिल्ली के दूसरे इलाके में भी यही हाल है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हालात बेहाल है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया। और दिल्ली के नेहरू नगर में भी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए, जगह जगह पानी जमा हो गया है। दिल्ली में हुई तेज बारिश के बाद कई सारे इलाकों में पानी भर गया है और इस वक्त हम लोग दिल्ली के नेहरू नगर में मौजूद है, जहाँ पे घुटने घुटने तक पानी है। पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, रास्ता देख सकते हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द जल्द पानी यहाँ से निकाला जा सके, लेकिन अभी हालात वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास जिस वक्त तेज बारिश हुई उस वक्त अमूमन इस इलाके में पानी जरूर आता है, लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति हुई है सबके घरों में पानी घुस चुका है। कोशिश वहाँ पर की जा रही है कि किसी तरीके से पानी को यहाँ से निकाला जा सके। गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, इन सब गाड़ियों में पानी भर चुका है और इस तरीके से लगातार यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके इस सिचुएशन से दुरुस्त किया जा सके सिचुएशन को। लेकिन अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है जिसके चलते थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन दिल्ली में इस तरीके की स्थितियाँ लगातार बनी हुई है। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों के हालात से रूबरू कराते हैं। मानसून की पहली बारिश में ही पूरा मुरैना शहर जलमग्न हो गया। शहर की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसके बाद सड़क पर भरे कीचड़ और गंदगी के खिलाफ वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया। जल जमाव और गंदगी के खिलाफ वार्ड नंबर 47 के निवासी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वार्ड वासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि हर साल मानसून के मौके पर मुरैना शहर में जल जमाव देखने को मिलता है, जिससे निजात दिलाने के लिए वार्डवासी निगम प्रशासन कलेक्टर से लेकर नेताओं तक से गुहार लगा चुके हैं। तस्वीरें छतरपुर से, जहां पहली बारिश ने नगर पालिका के इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से राहगीरों और दुकानदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजाम और दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने और बड़े नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश का पानी शहर में भर जाता है। यही वजह है कि बारिश के चलते ग्वालियर शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भी भर गया। ग्वालियर शहर का रेलवे स्टेशन चौराहा, नदी गेट, इंदरगंज, लक्कड़खाना, चेतकपुरी, थाटीपुर समेत कई इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को शहर की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।